यूट्यूबर एल्विश यादव इन दिनों काफी चर्चा में है। वजह है मारपीट। जी हां, एल्विश यादव पर शुक्रवार को गुड़गांव के सेक्टर 53 में एक अन्य यूट्यूबर पर हमला करने का आरोप का मामला दर्ज किया गया है। इसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। घटना का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर यूजर तरह तरह की अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरुग्राम पुलिस ने एल्विश यादव को नोटिस भेजा है और यूट्यूबर की पिटाई मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। अब देखना यह होता है कि मामले में पुलिस से क्या कार्रवाई करती है। आपको बता दें कि शिकायतकर्ता सागर ठाकुर ने कहा है कि एल्विश यादव ने उनके परिवार को जिंदा जलाने की धमकी दी थी। इधर दिल्ली के रहने वाले शिकायतकर्ता सागर ठाकुर ने दावा किया है कि एल्विश यादव ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। ठाकुर की बात करें तो वह कंटेंट क्रिएटर हैं और यूट्यूब पर 16 लाख से ज़्यादा उनके सब्सक्राइबर हैं, इंस्टाग्राम पर 8,90,000 से अधिक फॉलोअर्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 2.5 लाख से अधिक उनके चाहने वाले हैं। यानी कि एल्विश यादव के खिलाफ लगातार सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं तमाम सोशल मीडिया यूजर्स और पुलिस से कड़ी कार्यवाही की मांग भी की जा रही है। घटना का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद एल्विश यादव को कथित तौर पर मारपीट करते देखा जा रहा है। पुलिस ने मामले को लेकर बताया कि सागर ठाकुर की शिकायत के आधार पर शुक्रवार शाम को सेक्टर 53 थाने में एल्विश यादव और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 149, 323, 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। अब गुरुग्राम पुलिस ने एल्विश यादव को पूछताछ के लिए बुलाया है। एल्विश यादव आपको बता दें पिछले काफी समय से सवालों के घेरे में घिरते आ रहे हैं और उनकी कार्यशैली को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही।